Good morning, guys. This is Ankit Sharma from Leh Ladakh, day 4 of my this series, and you are watching Travel with Ankit Sharma. And welcome back to a new fresh vlog. आज की जो itinerary है थोड़ी busy रहेगी, थोड़ा busy schedule है, because this is the last day we have in Leh Ladakh, and we yet to cover the local areas of Leh Ladakh. We have so far covered Khartoum and Indra Valley, but जो यहाँ की जो local sightseeing है वो भी रहती है. तो विल ट्राई टू कवर इट एज मच एज पॉसिबल टुडे. अगर नहीं हो पाता तो विल कम बैक इट्स ऑलवेज नेक्स्ट टाइम, बट या आज जितना हो पाएगा उतना करेंगे. एंड ये ब्लॉग अगर लंबा बनेगा तो देख लेंगे, दो पार्ट्स में आएगा, अदरवाइज चलते हैं सीधा निकलते हैं हम. एंड या लेट्स रोल अप. मैग्नेटिक हिल. अब यहाँ पे क्या है कि इन्होंने मेनली ये जो पीछे वाला रास्ता है ना, ये ऊपर तक जाती थी, इसको मैग्नेटिक हिल कहते हैं, ठीक है. बट ये बंद कर रखा है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो. तो इन्होंने रोड पे ही दो तीन मार्क लगाए हुए हैं एंड उसको मैग्नेटिक हिल बोल दिया, बट बेसिकली वो है नहीं. एंड ये हमारे नए सब्सक्राइबर भाई लोग, ये है इनका बेटा. यो यो भैया, नाम क्या है आपका? पुनीत. एंड आरव. एंड माय सन आरव. ये देखो ऐसे ऐसे जवान लड़कों के बच्चे होने लगे. सो ये है अभी मैग्नेटिक हिल, इसके बाद संगम पॉइंट जाएंगे. यहाँ पे तो आने का कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं, बिकॉज जो मेन था वो तो बंद कर रखा है. ठीक है, आप लोग आ सकते हो. वहाँ से ले से ये अराउंड 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है. रोड्स बहुत अच्छे हैं, आपने देख लिया होगा. एंड अब चलते हैं संगम पॉइंट्स पे. ठीक है, चलो मिलते हैं रोड पे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैग्नेटिक हिल. यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट, होता क्या है क्या है. एंड ये होता था पहले मैग्नेटिक हिल का रास्ता, ऊपर तक जाती थी. यहाँ पे आप डर्ट बाइक वगैरह कर सकते हो. एंड ये तो इन्होंने वही दिखा दिया था, ये तो ढलान है तो बाइक तो एनी हाउ मूव ही करेगी. चलो देखते हैं डर्ट बाइक का रेट लेके देखते हैं, अगर होगा तो फिर चलाएंगे. दिस इज़ द संगम पॉइंट. यहाँ से ब्लू कलर का पानी आ रहा है, वहाँ से गंदा गंदा मिट्टी वाला पानी आ रहा है. एंड दे आर मर्जिंग हेयर. ये है लेह का संगम पॉइंट. यहाँ पे यू कैन डू राफ्टिंग एंड ऑल एक्टिविटीज, वाटर एक्टिविटीज आई थिंक. पीछे राफ्टिंग बोट्स तो रखी हुई हैं. नॉट श्योर, फिर लोगों को देख के तो नहीं लग रहा होती होगी. चलिए अगले पॉइंट पर मिलता है.
सो आप जो दे हमने देख रहे हो ये बेसिकली पत्थर साहिब गुरुद्वारा है। दिस इज़ द हाईएस्ट गुरुद्वारा अल्टीट्यूड की वाइज अगर हम देखे जाएँ। हम अंदर नहीं जाएंगे बिकॉज शूज़ वगैरह उतारने पड़ेंगे एंड हाथ वगैरह गंदे हो जाएंगे, तो वी विल अवॉइड दिस टाइम। एंड वैसे भी सुबह नहाया नहीं है तो अच्छा नहीं लगता, बट ठीक है। ये है बेसिकली भीड़, आप देख लो कि मतलब गुरुद्वारा कहीं पे भी हो हमेशा फुल रहता है। अब चलते हैं अगले व्यू की तरफ, जो कि हमारा जहाँ तक रहेगा वो रहेगा अपना आर्मी का जो हॉल ऑफ फेम है वहाँ पे हम जाएंगे। एंड देन लेट्स सी हम आगे और कहाँ पे जा सकते हैं। बेसिकली एक दो जगह और हैं आसपास, जोरावर का किला है एंड शांति स्तूप है, यस मस्त है, तो वो सब देख के उसके बाद हम लेट्स सी क्या करते हैं। और अभी अगली डेस्टिनेशन है हॉल ऑफ फेम, तो चलिए। बाहर पे लगी हुई हैं गाड़ियाँ एंड अगर इनके बारे में आपको कुछ पढ़ना है आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो। दिस इज RCL 106 MM गन्स एंड दिस इज अनदर व्हीकल विच आई थिंक दीज आर द व्हीकल्स विच आर यूज्ड ड्यूरिंग द वॉर ऑफ कारगिल। तो बस जो भैया बता रहे थे वो व्हीकल एंड ऑल और BRDM का आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड दिस इज़ द हॉल ऑफ फेम, यहाँ पे आपको 200 rupees ईच टिकट लगता है प्लस 20 rupees फॉर मोबाइल फ़ोन जितने भी फ़ोन हैं। एंड अगर आप कैमरा वगैरह यूज़ करो जैसे मेरे पास GoPro है सो दे आर चार्जिंग अराउंड 100 rupees मोर। These are the back hours. अगर आपको इनके बारे में पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड दिस इज बेसिकली द हॉल ऑफ फेम, इट्स अ वॉर मेमोरियल इन द मेमोरीज ऑफ इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। सो प्लेन में थोड़ा सा चेंज, हॉल ऑफ फेम जो था वो 2:30 तक बंद है। सो इन द मीन टाइम वी हैव कम टू जोरावर फोर्ट, जो जनरल जोरावर थे उनका है यू आई थिंक। आप मीन टाइम ये पढ़ सकते हैं, एक मिनट इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, देखते हैं क्या एंड अबाउट जोरावर। सर यू कैन गूगल इट ओवर। तो अब हम आपको दिखाते हैं अच्छे अच्छे शॉट्स। ये है द ओरिजिन ऑफ द डोगरास। आई एम नॉट श्योर ये पूरी तरह से कैप्चर हो पाएगा बट अगर हो पा रहा है, अगर आपको पढ़ना है तो उसको पॉज करके पढ़ लीजिए। एंड दिस इज द फर्स्ट लद्दाख कैंपेन and he is Mr. Zorawar the great and unka route jo tha and
एक 360 व्यू दे देता हूँ मैं आपको जोरावर फोर्ट का। यहाँ पे लाइट एंड म्यूज़िक शो होता है रात में 8 o'clock टू 8:40 एंड या दिस इज़ ऑल अबाउट जोरावर फोर्ट। यहाँ से व्यूज़ देख लीजिए कितने प्यारे हैं। चलिए इस वीडियो को अभी के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, हम मिलते हैं आपको। बेस्ट थिंग इस जहाँ मैंने नीचे से देखा तो हालत ख़राब हो गई थी बिकॉज वो स्टेयर्स दिखा रहा था, हमसे ना हो पाएगा स्टेयर्स। बट गुड थिंग इस यहाँ पे बाइक्स अलाउड हैं, इवन आई मीन व्हीकल्स आर अलाउड एंड एंट्रीज फी फॉर दिस प्लेस इज 30 rupees ईच। एंड जो एंट्री पे जो भैया थे और जो अंकल थे वो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने हमारे हेलमेट्स वगैरह भी रख लिए, विच इज़ अ ह्यूज थिंग। सो या काफ़ी हाइट पे है ये। आपको काफ़ी ज़्यादा बाइक आने के बाद भी यू हैव टू क्लाइम फॉर लाइक 300 to 400 meters। एक तो मोटे ऊपर से सांस नहीं आ रही। ठीक है, मिलता हूँ आपको अंदर। सो दिस इज द शांति स्तूपा। से व्यूज आ लाइक ब्रेथ टेकिंग, जस्ट चेक देम। ये बाय द वे मेडिटेशन रूम है, यू कैन गो देयर एंड मेडिटेट फॉर सम टाइम। बहुत बढ़िया आदत हुई। So we are done with the Shanti Stupa also. Now we are heading back to our Hall of Fame. And काफ़ी पीसफुल जगह है, हम ऊपर तक गए नहीं क्योंकि जूते वगैरह खोलने पड़ते, हाथ गंदे हो जाते, फिर ऊपर जाके अच्छा नहीं लगता। बट यहाँ से सीनिक ब्यूटी इफ यू कैन सी कितनी प्यारी है। एंड आप जहाँ से एंटर करते हो वहाँ से आपको क्लॉक वाइज आना है, नॉट एंटी क्लॉक वाइज। डजेंट मैटर आप कहाँ से शुरू करते हो, यू शुड ऑलवेज मूव क्लॉक वाइज। आई डोंट नो, आई थिंक कुछ होता होगा बुरा लग, मतलब अच्छा नहीं होता होगा, इसलिए जस्ट गुड टू नो स्टफ। बट मैन यहाँ से सुंदरता अलग ही लेवल पे। चलो अब अगेन बाइक पे मिलते हैं एंड सी यू एट ऑल ऑफ यू।